What's up guys, to the Jet Rider san sasriya kal tak ki hal chal ta ek mil gaye nove vlog de vich ta tusi vlog nu bahut vadhiya ki ditte theek hai comment tade par insta te aa reha comment tusi utte hi kare karo jehde koi vi comment hunda va theek hai comment box nu apan utte iste karke apan open kita hoya va ta youtube te comment kare karo koi vi comment hunda ta baki bhai da comment aaya si ek genuine comment si bhai da comment is tarah hai ki bike di mileage ki ditti hai tusi mil ki ride la ke aaye ho ta bhai 600 का तेल पाया सी हजे भी तेल बेच है तो बाइक 200 किलोमीटर एक हिसाब से चल गई है मतलब थोड़ा जहा रह गया बाकी मैं इनू जीरो किया तुम्हें मैं दिखा देना मैं बाइक में जीरो किया शहर ठीक है शहर इतों काफ़ी पै जाता वा क्या 8-9 किलोमीटर के लागे पास पै जाता तो उसे जीरो किया तो बाइक 200 किलोमीटर चल चुकी है ठीक है बस एक मैं मार्केट गया वा किलोमीटर की मार्केट हैगी बाइक ने माइलेज बहुत वधिया दी है ठीक है बाकी दूसरा कमेंट आ रहा है कि बाइक KTM तो मतलब कि ज्यादा तो भज रही थी या घट भाई बाइक ते आइए तो जो चैन सॉकेट हों मतलब कि वो दो नंबर घट हों मतलब कि KTM दे इंजन जोड़ा है ये सेम है इंजन जोड़ा है ये तुम देख सकोगे मतलब कि क्लच प्लेट का पार्ट वह यदा सेम ही पार्ट हों खोल के KTM का भी लगा सकते जो इन ठीक है सैकेंड ऑप्शन की आ कि ये चैन सॉकेट का ठीक है दूसरा यदा टायर ठीक है टायर तो डिपेंड करता यदा टायर तुम फ्लैट टायर पा दो ठीक है आ चीज़ चौड़ी आ घट चौड़ी पा दो चैन जोड़ा है वो थोड़ा व्डा पा दो यी जी पिकअप जी थोड़ी हो जाती फर्क पैंता ठीक है दूसरी ये ऑप्शन की आ कि ये लोंग टूर वास्ती बाइक ज़्यादा है वो ट्रैक रेस वास्ती मतलब कि रेसिंग बाइक है ठीक है ये टूरिंग बाइक बनाई हुई है इन्होंने बजाज ने बाकी इंजन सेम है कोई नहीं ये है बाकी NS से आए एक बाई का कमेंट से कि NS जी मतलब कि ते बरोबर नहीं आ रही बरोबर की नहीं गल ब्रदर वो NS बाइक जी स्टंटिंग बाइक है ठीक है ये टूरिंग बाइक है मैं फिर तो मैं कह रहा वहाँ तो की फर्क है कि मतलब कि थोड़ा ज़्यादा इन्ना कोई फर्क नहीं है ठीक है सेम ही चीज़ है सेम ही सारा कुछ बस इन्ना कि वो बाइक थोड़ी जी घट इधर पाई दी है ये थोड़ा जि वध पाई दी है ठीक है यदि मतलब कि टॉप स्पीड ज़्यादा है तो पिकअप ज़्यादा है उस NS नो ठीक है कई ने मॉडिफिकेशन किया होंगे कि वो फिर NS जी है कि टॉप स्पीड ये जिनी होंगी पर फुल स्पीड जी होंगी वो ये जिनी नहीं होंगी बाकी आ जाइए JS अपना जसकरण दी बाइक ने वह कह रहा कि मेरी बाइक की एवरेज बहुत घट है ठीक है बट मैनू नहीं लग रहा बट वो कह रहे मेरी बाइक की एवरेज बहुत घट है बट मैं ये लग रहा कि मेरी बाइक ने 32-33 की एवरेज दी है जे जिहड़े हिसाब से मैं चल रहा ठीक है तो बाकी पता नहीं है हुण मेरे हिसाब से तो यही है कि 32-33 की एवरेज मेरी बाइक ने दी है मैनू तो जो मेरे हिसाब ना वा ठीक है तो बाकी बाइक जी ज़्यादा वो पजाण के कारण ओवर स्पीड पजाण के कारण बाइक ने सबरी का भी मतलब कि निशान देता है कि तेल का मतलब कि एक्शन फिनिश हो चुका है कि तेल मतलब कि खराब हो चुका है यदा जो इंजन ऑयल है सर्विस का टाइम आ चुका है एयर फिल्टर वगैरह सारा कुछ चेंज करके फिर इन फिर आप सर्विस के निशान हटा देंगे ये नहीं है कि गल कि जैनवन कि मैं बाइक में भजाया तो ये रीजन आ गया उपर नहीं ये मतलब कि बाइक का तेल का ऑप्शन हों एक जो कि इन्ने टाइम तक बाद इन्ने किलोमीटर बाद इन्हें चेंज करवाना पैना ठीक है एक एयर फिल्टर जो टैंकी थले हों वो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बंद हो जाए उसके कारण भी ये ऑप्शन हो जाती है मतलब कि आ जाती उपर ठीक है ये थोड़ी जी एक तो नॉलेज दे रहा है बाकी जो कमेंट आए थे उन्होंने मतलब कि मैं एक जवाब दिता है तो बाकी जिन्हें भी मेरे वीर भरा वीडियो वगैरह देखते हैं तो वीडियो में शेयर कराया करो वो क्योंकि आप मतलब कि इस कर वीडियो बनाने टाइम लगाने तो बाकी किसी की वीडियो हजे इन्नी फास्ट पई नहीं सी यूट्यूब पर जिनी मतलब कि मैं पाती मैंने कमेंट भी आए हाँ कि ब्रदर आप तो हूँ राइड लगा के आए अज ही तो अज ही वीडियो अपलोड करती है मैं हाँ बई मैं अज ही अपलोड करती है पहला कमेंट आया जसकरण का मैंने वट्सएप पर मैसेज आया बई अपलोड कर भी दी मैं हाँ जी मैं करती है संडे राइड की वीडियो तो बाकी कावासाकी जोड़े से वो मेरे ब्रदर की है वो अपने इतों शहर दी है तो उन्होंने फिर कि मुलाकात करावे बाकी जोड़ा है R15 V3 हाँ सॉरी V4 M वो कि डिटेल देवे बहुत यार सिरेदार बाइक बनाई हुई है ठीक है जी तो बाकी जे ये भी वीडियो वधिया लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करो इस तरह की भी वीडियो अभी मतलब कि तुम पूरी डिटेल दी है मैं बाइक की बाकी एवं कही कि इस बाइक से मैनू अपने वालों माँ है कि इस बाइक ने मतलब कि चीज़ बनाई है बजाज ने चीज़ की है KTM की KTM से आ ठीक है KTM सोहनी लगती है लुक तो भी आ ब्रांड भी आ ठीक है KTM टॉप स्पीड ली आ कि मतलब सॉरी टॉप स्पीड ली नहीं है पिकअप ली है ट्रैक रेस ली आ
ਇਹ ਟੋਪ ਸਪੀਡ ਆ ਉਸਦੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 cc ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ KTM ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ KTM ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ R15 V5 ਜਿਹੜਾ M ਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਸ਼ਨ KTM ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਪਾਏ, KTM ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਕ ਨੇ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ KTM ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੋਂ ਬਾਈਕਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਲਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਬੂਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਹਾਈਬੂਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਰਰ ਲਗਾਉਣੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਰਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।